हरे कृष्णा राधे राधे। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना प्यार एवं सहयोग हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए, जिससे हम आगे भी कान्हा जी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक मैसेज जिसे कान्हा जी अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कान्हा जी जो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, हर तरह से हमारी सहायता करते हैं, हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में कान्हा जी थोड़ा सा दुखी हैं और अपने मन की बात वे अपने सभी भक्तों से कहना चाहते हैं। आइए हम सुनते हैं कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और इस संदेश को समझने का प्रयास करें। कान्हा जी अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरी संतान हो और मेरी ही रचना हो, और मैं एक पिता की तरह तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, हर संकट से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो, मुझसे अपनी बातें शेयर करो, मुझसे बातें करो, लेकिन मैं ये देखकर दुखी हो जाता हूँ कि तुम मेरे पास आते तो हो, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। जब तुम्हें किसी मुसीबत में होते हो या तुम्हें कुछ चाहिए होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ तब ही तुम्हें मेरी याद आती है। और इसमें भी मजे की बात यह है कि उस समय भी तुम सिर्फ अपनी ही बात कहकर चले जाते हो। इसके अलावा मेरे साथ बिताने के लिए तुम्हारे पास एक मिनट भी नहीं होता। क्या मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे सांसारिक माता पिता की तरह सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूर्ति का साधन मात्र बन गया हूँ? हर दिन तुम्हारे इस उपेक्षित व्यवहार से मुझे बहुत कष्ट होता है। हर रोज सुबह बड़े प्रेम से मैं तुम्हें जगाता हूँ, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि आंखें खोलने के बाद एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी याद नहीं आती, और तुम मेरी ओर देखने के स्थान पर अपने पास पड़े मोबाइल को उठाकर उसमें बीती रात आए संदेशों में खो जाते हो और मैं इंतजार करता रह जाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये आशा होती है कि तुम नहा धोकर दो पल का समय मेरे लिए जरूर निकालोगे और बीते दिन में तुम्हारे साथ घटी अच्छी घटनाओं के लिए मुझे धन्यवाद करोगे, लेकिन अभी भी मेरा इंतजार खत्म नहीं होता। नहा धोकर जल्दी जल्दी नाश्ता करके तुम अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हो, तब भी मुझे यही लगता है कि सुबह के समय पर्याप्त समय नहीं होने के कारण तुम मुझसे बातें नहीं कर पाए, लेकिन दिन में खाली समय मिलने पर तुम अवश्य ही ऐसा करोगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस तक आता हूँ, और एक पल के लिए मुझे मेरा इंतजार खत्म होता नजर आता है जब दिन में लंच के समय टिफिन खोलकर तुम रुक जाते हो और इधर उधर की देखने लगते हो। तब ऐसा लगता है कि मानो तुम मुझे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हो, लेकिन मेरी बजाय तुम अपने एक सहकर्मी को बुलाते हो और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगते हो, और मैं तब भी अकेला ही रह जाता हूँ। शाम को घर जाने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत समय होता है, और इस समय को भी हम लोग साथ में व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इस समय को तुम टीवी देखकर या अपने मोबाइल में गेम खेलकर ही नष्ट कर देते हो। इतने में रात्रि हो जाती है और तुम सो जाते हो, और मैं फिर से अगली सुबह के इंतजार में लग जाता हूँ कि शायद कल के दिन में तुम्हारे पास मेरे लिए समय जरूर होगा। इतना कहकर कान्हा जी एक पल के लिए रुकते हैं और फिर से कहते हैं कि मेरे पुत्र, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी परेशानियाँ कहो तो सही। तुम मुझे अपने दिन का हिस्सा बनाओ, फिर देखो तुम्हारा काम पहले से भी अधिक सरलता से होने लगेंगे। हर कठिनाई में तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, इसके आगे क्या करना है इसका चयन तुम ही को करना है। इतना कहकर कान्हा जी रुक जाते हैं, और इसी के साथ ही रुक जाती है हमारी आज की ये वीडियो भी, इसी संदेश के साथ कि जो ईश्वर हमारे सारे दिन की जरूरतों को ध्यान रखता है, सारा दिन हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, क्या हम उसके लिए अपने दिन में से कुछ वक्त भी नहीं निकाल सकते? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे।